बिग बॉस ओटीटी विजेता और फेमस यूट्यूबर एल्विश यादव की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही है। दरअसल नोएडा के चर्चित सांप तस्करी और रेप पार्टी मामले में जेल गए 5 सफेरे की 14 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड नोएडा पुलिस ने मांग ली है। उस पर कोर्ट में बुधवार को बहस पूरी हो गई है और बताया जा रहा है कि गुरुवार को पुलिस को कस्टडी रिमांड मिल सकती है। आपको बता दें कि सफेरों के कस्टडी रिमांड मिलने के बाद एल्विश यादव से उनका क्या संबंध है, इस बात पर गहनता से जांच की जाएगी। अगर संभव हुआ तो सफेरों और एल्विश का आमना सामना भी कराया जाएगा। इसी तरह एल्विश राहुल को आमने सामने कराने की पूछताछ की तैयारी पुलिस कर सकती है। आपको बता दें कि एल्विश को फिर से बुलाया गया है। जब राहुल की पुलिस कस्टडी रिमांड मिल जाएगी तब पुलिस एल्विश को बुलाकर आमने सामने कराएगी। इससे काफी हद तक चीजों में स्पष्टता आ सकती है। वहीं सफेरों और राहुल के बीच संबंधों की भी पड़ताल आरोपियों से पूछताछ की जाने वाले सवालों की सूची में पुलिस ने पहले से तैयार कर ली है। आपको बता दें कि रिमांड के दौरान आरोपियों को उन स्थान पर भी ले जाया गया जिन स्थानों का जिक्र शिकायतकर्ता की FIR और प्रसारित ऑडियो में है। आपको बता दें कि इससे पहले पुलिस ने जेल जाकर आरोपियों का बयान दर्ज किया था। बयान को आधार बनाकर पुलिस ने रिमांड मांगी है। गौरतलब है कि नोएडा पुलिस ने बीते शुक्रवार को बिग बॉस ओटीटी 2 के विजेता और यूट्यूबर एल्विश यादव के खिलाफ रेप पार्टी आयोजित करने, उसमें सांपों का जहर सप्लाई करने और विदेशी लड़कियां उपलब्ध कराने का केस दर्ज किया था।